प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो आज बेटा हम सेकेंडरी सेल के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज हमारा जो एग्जाम्पल है सेकेंड एग्जाम्पल है सेकेंडरी सेल का। फर्स्ट कल मैंने करवाया था आपको लेड स्टोरेज सेल, तो आज हम इसका सेकेंड एग्जाम्पल करेंगे निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल, अब जो ये निकल कैडमियम सेल है ना, ये रिचार्जेबल है, इट इज रिचार्जेबल, ठीक है। और इसकी लॉन्गर लाइफ है लेड स्टोरेज बैटरी से, लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज सेल, लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज सेल, ठीक है। और उससे एक्सपेंसिव भी है, काफी एक्सपेंसिव है ये। और इसके कुछ एडवांटेज भी है कि ये बहुत ही हल्की है, छोटी होती है, कॉम्पैक्ट होती है, इसको यहाँ से वहां ले जाना भी इजी होता है, बट एक्सपेंसिव है, ठीक है। अगर 12 वोल्ट में बात हो तो काफी एक्सपेंसिव पड़ेगी एज कम्पेयर टू लेड स्टोरेज सेल। वैसे ये पोर्टेबल है, मतलब इसे आप कहीं भी लेके जा सकते हो, बिल्कुल पोर्टेबल है ये। और साथ में ये कोर्डलेस अप्लायंस, मतलब बेटा तार वार कुछ नहीं है इसमें, पोर्टेबल है और कोर्डलेस अप्लायंस है, ठीक है। तो ये कुछ इसकी खास क्वालिटीज है जो इसे सुप्रीम बनाती है लेड स्टोरेज सेल से, बट एक्सपेंसिव है, बात हो ही जाती है। अब हमें इसमें ये देखना है कि एनोड कैथोड ये सब किसका बना हुआ है। देखिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एनोड की, तो एनोड यहाँ पे बना हुआ है कैडमियम का। एनोड इज मेड अप ऑफ कैडमियम, सी डी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ कैथोड की, तो कैथोड यहाँ बना हुआ है NiO2 का, कैथोड यहाँ पे बना हुआ है NiO2 का, निकल ऑक्साइड का। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोलाइट की, तो जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज KOH, इलेक्ट्रोलाइट इज KOH, और जो इसकी वोल्टेज है जनरली वो होती है 1.4 वोल्ट, 1.4 वोल्ट, ठीक है बेटा, ये है। साथ में इसमें कोई भी गैसेस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती है, कुछ खास बातें हैं ये इसकी। तो अब ये भी दोनों की तरह काम करती है, कैटेगरी इसकी कैसी है, सेकेंडरी है, और हम ये भी लिख सकते हैं बिहेव एज बोथ इलेक्ट्रोकेमिकल एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दोनों का काम ये करती है, डिस्चार्जिंग भी होगी, दोबारा चार्जिंग भी हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक दोनों सेल की तरह काम करता है। चलो अब इसकी बच्चे की बेटा रिएक्शन कैथोडिक और एनोडिक। तो सबसे पहले एट एनोड, आप सबको पता है एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन, मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनोड किसका बना हुआ है, कैडमियम का, सी डी का, ये टूट जाएगा सी डी टू प्लस में, साथ में ये दो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन KOH का है ना, तो जो ये आपका सी डी टू प्लस है ना, ये अट्रैक्ट होगा OH नेगेटिव के साथ, और उससे ये क्या बना देगा, सी डी ओ एच की होल ट्वाइस। अब इन दोनों को आप लोग जोड़ के लिखें, जब इन दोनों स्टेप को आप जोड़ोगे तो सी डी टू प्लस से सी डी टू प्लस कैंसिल, तो क्या बच गया, सी डी प्लस टू मोल ऑफ ओ एच नेगेटिव, इससे हमने बना दिया सी डी ओ एच की होल ट्वाइस प्लस टू इलेक्ट्रॉन। ये बेटा आपकी एनोड की रिएक्शन हुई, ये किसकी रिएक्शन है, एनोड की, हो गया। अब देखिए कैथोड की रिएक्शन, एट कैथोड, कैथोड यहाँ बना हुआ है NiO2 का, या ये भी बोल सकती हूँ NiOH की होल थ्राइस का। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन हम करेंगे 2 मोल ऑफ NiOH की होल थ्राइस, ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इससे हम बना देंगे 2 मोल ऑफ NiOH की होल ट्वाइस प्लस में 2 निकाल देंगे OH नेगेटिव, प्लस में 2 क्या निकल जाएंगे, OH नेगेटिव। अब ये जो मैंने रिएक्शंस आप लोगों को करवाई है, ये है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ये रिएक्शन कब की है बेटा, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग का मतलब जब हम इससे करंट ले रहे हैं, मतलब कि ये किसका काम कर रही है, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल का।
ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग किसका काम करते हैं भैया, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल का। तो ये दोनों की रिएक्शन होगी एनोड की और कैथोड की। अब इनको जोड़ के ओवरऑल रिएक्शन लिखो, तो ये टू इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये टू इलेक्ट्रॉन यहाँ कट जाएगा, टू ओ एच नेगेटिव ये है, टू ओ एच नेगेटिव ये है, ये भी कट जाएगा, तो बाकी को जोड़ के लिख दो। हाँ भी इस पेज में कोई डाउट है तो बताओ बेटा, अदरवाइज रेज योर हैंड। अभिषेक भी आया आज तो क्लास में, चलो ठीक है। तो किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? सेल रिएक्शन तो याद करनी पड़ेगी, ये तो आपको एनोड पे क्या है, कैथोड पे क्या। तो देखिए अब आगे, तो अब हम लिख लेते हैं ओवरऑल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। रिएक्शन को जोड़ के लिखना तुम्हें आता ही होगा, ओवरऑल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। रिएक्शन जोड़ के लिख लोगे ना, पीछे हमने काट तो दिया ही, OH- से OH- कट गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट गए, तो ओवरऑल रिएक्शन ये बच के देखो, कैडमियम सॉलिड प्लस 2 मोल ऑफ Ni OH की होल थ्राइस, और इससे हमने ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है यूज आ रही है, तो दोनों एक साथ करवा देती हूँ। तो इससे क्या बनेगा, CDO बनेगा, प्लस में यहां से निकलेगा 2 मोल ऑफ NiOH की होल ट्वाइस प्लस H2O। ये डिस्चार्जिंग की है और ये चार्जिंग की है, उल्टा करके लिख दोगे ना तो दोनों रिएक्शन आपके एक साथ होगी, डिस्चार्जिंग की भी और चार्जिंग की भी। और इसी के साथ में आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल शेल का। ओके कर लो बेटे, ठीक है। तो सारी आपकी शेल हो गई है, प्राइमरी भी करवा दी है, सेकेंडरी भी करवा दी है। अब जो मुझे आपको करवाना है दैट इज द फ्यूल सेल। तो पहले आप ये कर लो, उसके बाद हम फ्यूल सेल और कर लेते हैं बेटा, फिर ये टॉपिक हमारा पूरा, देन कोरोजन आज चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी मैं आपको ये वाला। फिर आज आप इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करके देखना, मोस्टली मैंने करवा रखे हैं, मोस्टली करवा रखे हैं, और 17-18 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा है भी नहीं। ग्राफ वाला कोई क्वेश्चन मत करना, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते केमिस्ट्री में। मतलब बेटा ये है ना कि ग्राफ प्लॉट करो, कंडक्टिविटी वर्सेस ये सब, ऐसे ग्राफ नहीं आते। तो देखिए बेटा अब हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, और अगला टॉपिक हमारा फ्यूल सेल, फ्यूल सेल। आप सबको पता है बेटा आज के टाइम पे जो मेन हमारी डिमांड है वो किसकी है, फ्यूल की है। डीजल पेट्रोल का कंजप्शन बहुत ज्यादा हो गया, नेचुरल सोर्सेज बहुत कम हो गए, इसीलिए इलेक्ट्रिक कार भी लॉन्च की गई, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक कार में भी एक प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये है एक तो उसका बेटा लाइफ टाइम भी कम है, फिर बैटरी भी चेंज होगी 5-7 साल के बाद, बैटरी बैकअप बहुत लंबा नहीं है। साथ में मेन प्रॉब्लम है उसे बायोडिग्रेड कहाँ करें, ठीक है ना। जो भी आपका इलेक्ट्रिक कार का आपका इंजन जो भी पार्ट वगैरह वो डिग्रेडेबल नहीं है, बायोडिग्रेड वो नहीं हो सकता। तो आप सबको पता है फ्यूचर में फ्यूल आएगा लिक्विड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस एज ए फ्यूल काम करेगी, और बेटा बहुत जल्दी 5-10 ईयर्स में हाइड्रोजन कार आ भी जाएगी, लॉन्च भी हो जाएगी, ठीक है बेटा। कई कंट्रीज में आज भी चल रही है हाइड्रोजन कार, आपको पता होगा लिक्विड हाइड्रोजन रॉकेट का फ्यूल भी होता है। तो यहाँ फ्यूल सेल की बात कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन फ्यूल की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन बिल्कुल क्लीन फ्यूल है, पोल्यूशन फ्री इसकी वर्किंग होती है, एफिशिएंसी इसकी बहुत ही ज्यादा होती है। तो ये बात तो कंफर्म है, फ्यूचर का फ्यूल है वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन ही होगा। अभी आप सीएनजी गैस के प्लांट देखते हो, आगे आप देखोगे कि ऐसे पंप किसके हैं, हाइड्रोजन गैस के पंप भी है। इंडिया में अभी नहीं आया, वर्क प्रोग्रेस में है, बस मेन प्रॉब्लम आ रही है कि इसके हम स्टोरेज कैसे करें। तो बहुत जल्दी बेटा विद इन बेटा 10 ईयर्स आप लगा सकते हो, ये भी आपकी हाइड्रोजन कार भी लॉन्च होगी मार्केट में। तो फ्यूल सेल आज हम पढ़ेंगे कि जब हाइड्रोजन फ्यूल बर्न होगा तो कैसे रिएक्शन होगी, कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, और उसकी वर्किंग हम यहाँ पे करते हैं। तो आप हेडिंग डालो फ्यूल सेल्स। तो फ्यूल सेल्स क्या होती है, दी आर द गैल्वेनिक सेल, दी आर द गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है, दी आर द गैल्वेनिक या इलेक्ट्रोकेमिकल शेल, इन विच द कंबशन ऑफ फ्यूल्स
in which the combustion of fuels like as हाइड्रोजन और तो ऑप्शन में मीथेन, वो तो है ही बेटा आज के टाइम में, सीएनजी तो चल ही रहा है, मीथेन हो गया या मिथेनॉल एक्सेट्रा या इथेन भी ले सकते हैं बाय चांस, तो ये सब फ्यूल लेना है. इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, हो गया बेटा, कर लोगे ना ये, तो ये आपके फ्यूल सेल की डेफिनेशन होगी कि फ्यूल की बर्निंग होगी उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो फ्यूल की बर्निंग से डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस की जाएगी, ये होती है फ्यूल सेल्स. ठीक है, तो अब इसका जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज द H2O2 फ्यूल सेल, मतलब हाइड्रोजन का कंबशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सीधी सी बात है, इस फ्यूल सेल में क्या होगा, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो देखिए बेटा कैसे होगी रिएक्शन. हाँ भाई, ये पेज आपका हो गया, प्लीज रेज योर हैंड. साहिल, अभिषेक, मोनिशा, रुचिका, चिराग, हर्षिता, अंशु, हर्षित, हिमांशु, नीतू, कुमुद, अरविंद, चमन, वंशिका. ओके बेटा, भाई निधि दोनों होती है क्लास में, एक मिनट मुझे चेक करने दो. निधि एक ही है क्लास में, रितिका अब आई है. एक तो आज निधि नहीं है क्लास में, एक सिद्धार्थ नहीं है क्लास में. गर्ल्स में और किसी को मिस तो नहीं कर रही हूँ जो लाइव मेरी क्लास ना ले रही हो. चलो कोई नहीं, एटलीस्ट 40 स्टूडेंट्स तो आए आज. देखिए बेटा, तो अब हम शुरू करते हैं फ्यूल सेल. पहले इसकी हम सेटअप ही कर लेते हैं, इसका सेटअप कैसा होता है, बड़ी कॉमन सी है, बड़ी जल्दी कर लोगे आप इसे. तो इसमें हमें बेटा दो इलेक्ट्रोड लेने हैं, देखिए ध्यान से. दीज आर द टू इलेक्ट्रोड, ये दो इलेक्ट्रोड है, दोनों कार्बन के बने हुए, दोनों ही किसके बने हुए हैं, कार्बन के, और कार्बन भी पोरस है, मतलब कि पोरस इलेक्ट्रोड है. बता दूंगी इसका मतलब क्या है, प्लीज कोई भी क्लास लीव करके ना जाए, सब बच्चे पढ़े अच्छे से. ये दो इलेक्ट्रोड है जो कि कार्बन के बने हुए हैं. ठीक है, अब देखिए इसके आगे, इधर से एक साइड से पैसेज हो रहा है हाइड्रोजन गैस का और एक साइड से पैसेज हो रहा है ऑक्सीजन गैस का. कैथोड एनोड दोनों बने रहते हैं कार्बन के ही, और ये बीच में इसको बंद कर दिया, यहां से पैसेज निकाल दिया गैस के लिए. अंदर इसमें भरा हुआ है KOH सॉल्यूशन, इसमें अंदर क्या भरा हुआ है, KOH सॉल्यूशन. एक तरफ से अंदर जा रही है H2 गैस, एक तरफ से अंदर जा रही है O2 गैस. ठीक है, वन साइड से H2, वन साइड से O2, यहां से बाहर निकल रहा है H2O. तुम लोग कई सालों से पढ़ते आ रहे हो H2 प्लस O2 क्या बनता है, H2O. तो यहां से H2O ही निकल रहे हैं. ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है ना, दीज आर पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड, कार्बन के ग्रेफाइट के बने हुए, और ये पोरस है. पोरस का मतलब क्या हुआ कि भाई इनके अंदर से लिक्विड का फ्लो हो जाता है यहाँ से वहां. दीज आर द पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड, हो गया. ये भी वही सेम है, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड है दोनों. एक हो गया पॉजिटिव,
एक हो गया नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब कि कैथोड होगा, क्योंकि ये मैंने कहा ना गैल्वेनिक सेल है, और आपको बता रखा है ना बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल या गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। तो एनोड के पास हाइड्रोजन गैस जाएगी और कैथोड के पास ऑक्सीजन गैस जाएगी, दोनों के बीच में KOH का सॉल्यूशन भरा हुआ है और पोरस कार्बन के इलेक्ट्रॉन और ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और साइड प्रोडक्ट में यहाँ पे H2O रिमूव हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या है KOH का सॉल्यूशन है। तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे एनोड और कैथोड दोनों ही किसके बने हुए हैं, मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट भी कैसा है पोरस हो गया। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट क्या है KOH है, इसके साथ में H2 गैस कहाँ जा रही है, H2 गैस पासिस ओवर एनोड एंड O2 गैस पासिस ओवर कैथोड हो गया। कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन होगा, आप सबको पता है H2 प्लस O2 हाइड्रोजन गैस का कंबस्शन हो रहा है। तो देखो बेटा वाटर यूज हो रहा है, साइड प्रोडक्ट में पानी निकल रहा है, तो जो ये फ्यूल सेल है इसे यूज कहाँ करते हैं, कोई आपसे पूछ सकता है वेयर इट इज यूज, तो ये यूज होती है स्पेस प्रोग्राम में। बेटा जो भी एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं ना जो स्पेस में जाते हैं, अब वो लेड स्टोरेज बैटरी को तो लेके जाएंगे नहीं, क्यों, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये सब बैटरी चार्जेबल, इन सब के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तब जाके ये चार्ज होगी, तो ये सब तो वहां पे कोई काम की है नहीं। तो बस वो क्या करते हैं सिलेंडर ले लेते हैं हाइड्रोजन गैस का, ऑक्सीजन गैस का, और गैस का कंबस्शन करवाते हैं, उससे हीट एनर्जी मिलती है, उस हीट एनर्जी को फिर ये क्या करते हैं, उस हीट एनर्जी की हेल्प से ये प्रोडक्शन करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, कर लोगे ना, तो ऐसे आपको करना है, ओके। चलो अब इसके बाद देखो, हाँ बेटा ये पेज आपको समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज रेज योर हैंड, सब बच्चे अपना हैंड रेज करें। रुचिका, अभिषेक, अनिशा, प्रिया, अंकित, अंशु, चमन, साक्षी, दिपेश, चिराग, मोनिशा, साहिल, कुमुद, दीपिका, अरविंद, हर्षिता, हिमांशु, दीपक, जाखड़, विपिन, सारे बच्चे तो अभी नहीं हुए, सचिन, विवेक, योगेश, कृतिका, हर्षित, नीतू, वंशिका। बेटा अभिषेक आप बहुत कम क्लास लेते हो, डेली क्लास लिया करो। चलो अब इनकी सेल रिएक्शन हम करेंगे। सोनिका, आकाश, वेरी गुड, दीपक जाखड़, 12054, बहुत बढ़िया बेटा। देखो ये पढ़ाने का मन भी करता है, एनर्जी लेवल डबल हो जाता है पूरी स्ट्रेंथ देख के, ठीक है। तो प्लीज डेली सारे बच्चे क्लास लिया करो। देखिए अब आगे, अब इनकी हम रिएक्शन करेंगे एनोड की और कैथोड की। तो पहले हम रिएक्शन कर लेते हैं एट एनोड, ठीक है। तो एनोड की रिएक्शन देखिए, देखिए एट एनोड, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखिए बेटा रिएक्शन करते हैं इसकी, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन होगी। आपको पता है एनोड पे कौन सी गैस गई थी, हाइड्रोजन गैस गई थी, और एनोड यहाँ पे कैसा इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है और KOH का सॉल्यूशन है। तो मैंने यहाँ पे ली H2 गैस प्लस 2 mole ऑफ OH नेगेटिव, ये कहाँ से आए, KOH के सॉल्यूशन में से आए, इन दोनों की हेल्प से मैंने बना दिया H2O, 2 mole ऑफ H2O, प्लस में 2 निकाल दिए इलेक्ट्रॉन। आप चेक करो पूरा बैलेंस है, H एटम टोटल यहाँ 4 है, यहाँ भी 2O2 4 है, O एटम यहाँ 2 है, O एटम यहाँ भी 2 है, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो गया। तो ये आपकी रिएक्शन होगी एनोड की, मतलब कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया। चलो अब हम रिएक्शन करते हैं एट कैथोड, कैथोड बेटा बना तो ग्रेफाइट कार्बन इलेक्ट्रोड का, ये कौन सी गैस पास हो रही है, ऑक्सीजन गैस पास हो रही है, तो करो रिएक्शन। O2 गैस है प्लस इसने क्या लिया H2O, 2 mole ऑफ H2O कर दिया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन भी लेगी और इससे बना दिया 4 mole ऑफ OH नेगेटिव,
फोर मोल्स ऑफ OH नेगेटिव, ऐसे कर दो, तुम कंफ्यूज नहीं होगे। अब ये रिएक्शन होगी कैथोड की। अब इन दोनों को जोड़ के लिखो ओवरऑल रिएक्शन। अब बेटा जब तुम ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है वो आप कैंसिल कर दो पहले। बेटा यहाँ सॉरी फोर इलेक्ट्रॉन आएंगे तभी चार्ज बैलेंस होगा। अब बेटा इलेक्ट्रॉन यहाँ तो है फोर और यहाँ है टू, तो मैं इस पूरे की मल्टीप्लाई टू से कर दूँ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी फोर हो गए। अब जो कटता है उसे काट दो और बाकी को आप जोड़ के लिख दो। तो देखिए बेटा इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हो गए, टू टू जब फोर, यहाँ भी कितने हो गए फोर, कैंसिल। ये टू टू जब फोर ओ एच नेगेटिव लेफ्ट में है, ये फोर ओ एच नेगेटिव राइट में है, कैंसिल। तो अब तुम देखो किस साइड क्या क्या बचा, ठीक है। तो आप बेटा देख पा रहे हो ये टू मोल ऑफ एच टू है लेफ्ट साइड में, प्लस और लेफ्ट में क्या है ओ टू गैस, प्लस लेफ्ट में टू एच टू ओ भी है, लेकिन राइट साइड में कितने एच टू ओ है, टू टू जा फोर। तो राइट में तो फोर है और लेफ्ट में टू है, तो फोर माइनस टू टू ही बचा, वो भी राइट साइड में। तो उससे टू मोल ऑफ किसका बन गया, एच टू ओ लिक्विड का बन गया। रिएक्शन वही सेम रहेगी, रिएक्शन चेंज थोड़ी ना हो सकती है, वही नाइन टेंथ वाले रिएक्शन है। एच टू गैस का कम्बशन करवाया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो उससे वाटर प्रोड्यूस होगा, लिक्विड वाटर बनेगा। और इस लिक्विड वाटर को एस्ट्रोनॉट्स यूज कर लेते हैं ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, स्पेस प्रोग्राम में यूज होता है इस फ्यूल सेल का, और इसी को वो यूज करते हैं फॉर दी ड्रिंकिंग पर्पज। तो ये बेटा वाटर की ओवरऑल रिएक्शन हुई। और जो ये है ना बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं वोल्टेज की, अगर मैं इसकी बात करती हूँ वोल्टेज की, कितनी वोल्ट ये देता है, तो आप ये कह सकते हैं 0.6 से 0.7 वोल्ट, ये 1.23 वोल्ट ये दे देता है इजीली एट एसटीपी कंडीशन। मतलब कि अगर मैं जो टेम्परेचर है उसे आपका रखती हूँ 298 केल्विन, टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस हो और जो प्रेशर है मैं उसको 1 atm रख के चलूँ, तो उस टाइम पे कितने वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, 1.23 वोल्ट प्रोड्यूस करता है ये वोल्टेज, ठीक है भाई। तो ये आपकी सारी रिएक्शंस हुई हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की, ये आप कर लें। फिर इसके बाद हम ना इसकी ये और करेंगे कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है या क्या क्या बेटा इसके मेरिट्स हैं, ठीक है। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ फ्यूल सेल बेटा चिराग, लास्ट में, लास्ट में, ठीक है। टॉपिक पहले पूरा कर लो चिराग, फिर बेटा लास्ट में। चलिए देखिए अब इसके बाद एनोड और कैथोड की रिएक्शन आपकी हो चुकी है, वोल्टेज हो चुकी है। तो बस अब मैं इसकी मेरिट स्टोर करवा देती हूँ, वो नेक्स्ट पेज पे करें या हाई यहीं पे कर लें, वैसे तो यहाँ भी हो जाएगी, लिख लो। तो इसकी मेरिट्स क्या है, पहला तो है इसकी पोल्यूशन फ्री वर्किंग, ये तो बेटा कंबशन करने पर वाटर बना रहा है, बताओ और क्या चाहिए, इसकी पोल्यूशन फ्री वर्किंग है। दूसरा इसकी बहुत ही हाई एफिशिएंसी है, मतलब वही बात है तेल तो कम लगे और काम ज्यादा करे, तो इसकी हाई एफिशिएंसी है। साथ में ये कंटिन्यूस सोर्स है एनर्जी का, जब तक फ्यूल बर्न होगा तब तक आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी, इट इज कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी, बिल्कुल कंटिन्यूस सोर्स है, हाई एफिशिएंसी इसकी होती है और पोल्यूशन फ्री इसकी वर्किंग होती है। जो एक्चुअल एफिशिएंसी है फ्यूल सेल की वो 70-80% के आसपास होती है, कितनी होती है, नियर अबाउट 70-80%। तो ये सारे बेटा इसकी बहुत डिमांडिंग है फ्यूल सेल, फ्यूचर में हो जाता है इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक हुआ फ्यूल सेल का, आप लोग कर लें इसे। बस फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कोरोजन और कर देंगे, चैप्टर को आज एंड कर देते हैं। एक मिनट, अब मैं आपसे पूछती हूँ कोई डाउट है तो।